देखिए ये मुझे भी बार बार ऐसा होता है, अभी रिसेंटली मैं चंद दिन हुए एक साहब से मुलाकात हुई, लेकिन रोजानी होती रहती है कि उसे देर तक बातें कीजिए और मुसलमानों के मसाइल और मुसलमानों की तारीख इस पर खूब बातें करेंगे वो, लेकिन खुदा का चर्चा कुछ भी नहीं होगा उनका, खुदा की मोहब्बत, खुदा का खौफ, जन्नत, इन सब जो कुछ चर्चा ही नहीं होगा उनका। तो उसी वजह क्या है, ये मैंने पढ़ा एक शख्स का, एक स्कॉलर ने लिखा है कि रिलीजन बिगिंस एज एन आइडियोलॉजी बट आफ्टर सम जनरेशन इज रिड्यूस्ड टू अ कल्चर। आज का जो इस्लाम है वो कल्चरल इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं जो सहाबा का इस्लाम था। सहाबा का इस्लाम जो था उसमें उन्होंने उनको डिस्कवरी हुई खुदा की, उनको डिस्कवरी हुई सच्चाई की, उनको डिस्कवरी हुई कि ये कुरान जो है खुदा की किताब है। तो उनका उनके जो स्टार्टिंग थी वो डिस्कवरी से हुई थी, फिर उनकी ज़िंदगी में एक चेंज आया, इनकलाब आया, एक रिवोल्यूशन आया, तो फिर उनके यहाँ खुदा की बड़ाई थी, जन्नत का एहसास था, जहन्नम का एहसास था, सारी बातें थी। आज का मुसलमान जो है, जो सैकड़ों जनरेशन के बाद ये मुसलमान हैं, तो ये तो एक इस्लाम एक कल्चरल इस्लाम इस पर हैं, वो इस्लाम पर नहीं है, वो मनी माता के इस्लाम पर है। हत्ता कि नमाज भी एक कल्चरल पार्ट है। मैं मस्जिदों में जाता हूँ तो लगता है कि ये पॉइंट ऑफ सोशलाइजेशन है मस्जिद उनके लिए, इकट्ठा हुई है, बातचीत कर रहे हैं, चले गए। एक मिसाल मैं देता हूँ आपको सहाबा की और उसका फर्क समझने के लिए। सहाबा के बारे में आता है कि जब वो आते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़कर जब निकलते थे वो, एक एक सहाबी खामोश होता था, चुपचाप मस्जिद से निकला, बिल्कुल चुपचाप घर चला जाता था, बात नहीं करता था। आज जब किसी मस्जिद में आप जाइए, जब मुसलमान से निकलते हैं मुसलमान, तो फौरन बात शुरू हो जाती है, दुनिया की बात है, जॉब की बात, बिजनेस की बात, घर की बात, फैमिली की बात। यानी सहाबा जो नमाज पढ़ते थे तो उस वक्त उनको खुदा याद आता था, जन्नत जहन्नम का एहसास जागता था और वो उनकी दमाव छा जाता था, उसी छाए हुए जहन के तहत निकलते थे बाहर, उसी को सोच रहे हैं, यानी खुदा के बारे में सोच रहे हैं, जन्नत के बारे में सोच रहे हैं, जहन्नम के बारे में सोच रहे हैं, आखिरत के पकड़ के बारे में सोच रहे हैं। इस एहसास में वो मस्जिद से निकल घर जाते थे। अब क्या है, उन्होंने बस एक रस्म अदा कर ली, बेसोई समझे, एक रिचुअल्स के तौर पर, तो उनके अंदर कोई एहसास नहीं जागा, उनके अंदर कोई शोर नहीं जागा। तो ये कई तो नमाज का है, तो एक कल्चर का हिस्सा है ये भी। तो आज का मुसलमान जो है एक कल्चरल इस्लाम पर है, इसीलिए उसका उनका वो सब बातें नहीं है जो सहाबा के हुआ करती थी।